अब हम फ्रूट मार्केट पहुंच गए हैं और ये कराची की फ्रूट मार्केट है, बिल्कुल सब्जी मंडी के साथ ही फ्रूट मार्केट है, ये दोनों मंडियां एक साथ ही हैं। मंडी से जो माल है अब बाजारों की तरफ रवाना हो रहा है। ये हमारे पास ये आलूचा पड़ा हुआ है और पास में खुबानी भी पड़ी है। आलूचा क्या हिसाब है? आलूचा 550 रुपए का है एक गार्डन। कितने होते हैं एक गार्डन में? इसमें तकरीबन 3-3.5 किलो इतना ही होता है तकरीबन। और खुबानी का क्या? खुबानी 750 रुपए का है फी कार्टन और इसमें 6-6.5-7 किलो होता है कार्टन में तकरीबन। कहाँ से आता है ये? ये बलूचिस्तान से आता है, कलात से आता है, क्वेटा से आता है और ये जो है ना सवात से आता है। जी हाँ, पेशावर, सवात और दिगर ये जो ठंडे इलाके हैं वहाँ से आता है। ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद है महंगाई हुई है क्या? महंगाई तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। एक सौ बीस का किलो की ये क्वेटा का है, ये क्वेटा से आ रहा है। ये मंडी में जो है आप देख रहे हैं नीलामी हो रही है फ्रूट मंडी में। माल ये खुबानी अभी आई है, इन्होंने खुबानी का माल खोला है। ये फर्ज क्या हिसाब है? 30 रुपए किलो। मुख्तलिफ कैटेगरी है, 100 रुपए भी है, 90 रुपए भी है, जो अच्छी ए क्वालिटी है वो 130-120 रुपए किलो। कौन कौन सी बता दे? ये अच्छी क्वालिटी पड़ी हुई है। एक टोकरे में कितना होता है? इसमें मुख्तलिफ वजन होते हैं, 20 किलो से लेके 12 किलो तक का होता है। ये बी क्वालिटी का फालसा है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। भैया फालसा क्या हिसाब है? फालसा चल रहा है 110-190, बस ये 3-4 किस्म का चल रहा है। फालसा भी अलग अलग ही है, ये जब मोटे वाला अच्छे अलग अलग है सारे। अच्छा। एक जैसा तो फालसा भी नहीं होता है, सब अलग अलग रेट है, सब सही। जैसे माल है उसी तरीके की रेट चल रहे। क्या हिसाब है? ये 6.5 का जनाब। 650 जी, पूरा डब्बा है? हाँ पूरा डब्बा। इसमें कितने होंगे? इसमें 3-3.5 किलो तक। कहाँ के हैं ये? स्वाद का है। ये सरोली है जी, 850 रुपए की पेटी है जी। कितना होगा इसमें? इसमें 11 किलो। और ये 600 रुपए का सिंगड़ी है। 600 रुपए? 600 रुपए। इसमें कितना होगा? इसमें भी 10-11 किलो। ये कौन सा आम कहलाते हैं? ये सिंगड़ी। और ये कौन सा है? ये लंगड़ा है, 500 रुपए। और ये? ये 850 रुपए सिंगड़ी है। सिंदड़ी है, इसमें कितना होगा पेटी में? 11 किलो। आम जी सिंदड़ी इस दफा जा रही है 1000 से 1100 रुपए गिफ्ट, और जो वीएपी जा रही है वो जा रही है 600-650 रुपए की, जो छोटा होता है। मार्केट चढ़ी हुई है क्या? मार्केट चढ़ी हुई है, माल कम मैंने इस दफा इस साल इसकी वजह से, वरना ये पिछले साल बिक रही थी 600-700 रुपए की, और इस दफा कम से कम 1000 रुपए से कम तो है ही नहीं। ज्यादातर ये सिंदड़ी आ रही है। जी हाँ, सिंदड़ी आ रही है, इसके बाद फिर 64 चलेगा एक महीने के बाद पंजाब का। लंगड़ा चल रहा है 600-650 रुपए का, दूसरी जो अच्छी वाली चल रही है वो 500-550-600 रुपए का। सरोली शॉर्ट है, सरोली जा रही है कम से कम 11000-1100 रुपए की, और उसकी जो हल्की चल रही है वो 650-700 रुपए की चल रही है। क्या चेरी का हिसाब है? चेरी 210 का है, 200 का भी मुख्तलिफ रेट चल रहा है ना, माल माल के ऊपर फर्क होता है ना। ये तकरीबन अभी फिलहाल हम लोग चला रहे हैं 210-200 का। और कितना एक डब्बे में? इसमें 400 ग्राम है। कहाँ के? ये ज़ियारत की है।
रेट बताओ रेट। ये 1800 1800 किलो है? नहीं नहीं किलो नहीं है, जाली है। जाली है, जाली है पूरी। जाली में कितने होंगे, कितने किलो होंगे इसमें? 9 किलो। 9 किलो? 9 किलो की कितने बताए तुमने? 1800 रुपये। तकरीबन 200 रुपये किलो के हिसाब से जो है यहाँ पड़ेगी। ये कितना है? 40। हाँ 40 रुपये किलो है। सही। और ये कच्चा है? कच्चा जो गोश्त को बनाने के लिए। गोश्त के लिए सही है। तो ये कहाँ से आ रहा है पपीता? कहाँ से आ रहा है पपीता? ये मलेर से आ रहा है, मलेर से और सिंध से आ रहा है। ये गर्मा है कोयटा वाला और खरबूजा है सन वाला। 50-50 रुपये किलो। क्या हिसाब है किले? केले जी ये 100 रुपये के दर्जन लगा दिया है फाइनल। बड़े केले 100 रुपये चला रहे हैं होलसेल के हिसाब से, मंडी के हिसाब से 100 रुपये चला रहे हैं। इसमें अंदाजा 40 दर्जन होता है। ये सुपर माल होता है, इससे जो है ना कम रेट वाले भी होते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा रेट वाले भी होते हैं। ये सुपर माल है 2500 रुपये रेट होते हैं, साफ सुथरा माल होता है। इसमें थोड़ा हल्का माल मिलता है वो 2000-1800, उससे फिर ज्यादा हल्का जो मिलता है वो 1500-1400 रुपये का भी मिलता है। कभी महंगा होता है कभी सस्ता होता है। पेटी में कितना है? एक में पेटी में 15-14 किलो वजन होता है। कितना रेट बताया आपने? ये 350 बताया, 3 तक बेचते। ये 250-300 तक। ये दरमियाना माल है, पहले ये बिकता था 600-700 रुपये का। अभी मजाक मांदा हो गया ऐसे वास्ते, अभी 3-3.5 का 2.5 का ही ऐसे बेचते। इसमें उसमें फर्क क्या है? ये कलर हो, ये पीला है तो वो भी गर्मा है, ये भी गर्मा है, ये तो छोटा गर्मा है, वो तो अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है। मेन मसला यही है। कहाँ का ये? ये सिंध का आते। वो वाला जो बड़ा वाला है वो क्या हिसाब है? वो 400 रुपये का, वो 18 दाना है, ये 24 दाना है। अच्छा, और ये वाला जो आपने बताया ये वाला कितना? ये 350 रुपये का। 350 रुपये। कहाँ से आती है? ईरान से आती है। ईरान से आती है? जी जी। ईरान के अलावा भी यहीं से आती है? नहीं, सिर्फ ईरान से ही। क्या हिसाब है? 300 रुपये का। एक डब्बे में कितनी आती है? 1 किलो 200 ग्राम। आड़ू क्या हिसाब है? आड़ू 700 रुपये की। ये यहीं का है सवाल? ये सवाल।